The God's Palace Resort, Ganga Facing Restaurant, Party House, Destination Wedding, 12,500 स्क्वायर फीट में बिना पिलर बना भव्य हॉल, शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट नानू की नहर, कावड़ मार्ग, सरधना, मेरठ। मेरठ के जैदी फार्म में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हत्या के बाद बाइक सवार हत्यारे मौके से फरार हो गए। हत्या की सूचना पाकर पुलिस कप्तान रोहित सजवान भी मौके पर पहुंच गए हैं। शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हत्या की संपूर्ण वारदात पास ही स्थित सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर हत्यारों की पहचान कर ली गई है। पुलिस ने रात ही उनके घरों पर दबिश दी, लेकिन दोनों हत्याभियुक्त नहीं मिले, जिस पर कुछ परिजनों को हिरासत में ले लिया गया है। मारे गए युवक का नाम अमान है और वह बद्रू हसन का बेटा था। बद्रू हसन कृषि विभाग में चालक है। उसका 20 वर्षीय बेटा अमान रात करीब 10:30 बजे खाना खाकर बाहर निकला था, तभी बाइक सवार दो युवक आए, कुछ बातचीत हुई और बाइक सवार एक युवक ने कनपट्टी से सटाकर उसे गोली मार दी। परिजनों ने पास ही रहने वाले अनस व बिलाल को नामजद करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है। पहले देखिए वह सीसीटीवी फुटेज जिसमें अमान की हत्या की जा रही है। मौके पर पहुंचे एसएसपी रोहित सजवान को परिजनों ने यह जानकारी दी। बिलाल और साथ में यही बताया है किसी ने, यही बताया मुझे बिलाल और झगड़ा किसी का हमें नहीं पता, डायरेक्ट गोली भी मारी है, कोई बात नहीं हुई, कुछ नहीं, खाना भी खा रहा, कोई कुछ भी नहीं कह सकता, चखा तो खाना खा गया। इनकी उम्र क्या है? हाँ, इसी बिलाल की थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन मैंने अनस को देखा नहीं। इसी मोहल्ले में आगे रहते हैं? हाँ, यही नाम सुने हैं हमने कि वही लोग। क्या करते थे आपके भाई? कुछ नहीं करता, स्टडी करने का था, मैं कुछ नहीं करता, मैं पास ही रहता। इस बारे में एसपी सिटी पीयूष सिंह ने यह जानकारी दी। सर, जैदी फार्म में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, क्या पूरा मामला है? ये लगभग 11 बजे की बात है अभी रात में जी। ये अमान नाम का एक युवक, जिसकी उम्र लगभग 21 साल के आसपास होगी, इसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इसमें दो औरतों के नाम प्रकाश कुमार है, जो कि यहीं के स्थानीय निवासी हैं। इन्हीं को नामजद करते हुए परिवारिक जन द्वारा तहरीर दी गई है, जिसके आधार पर अभियोग पंजीकरण की कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। क्या कारण है, कुछ बताया परिवार ने कि किस कारण? नहीं, अभी इस संबंध में बहुत पूछा है, हमारे पास कोई नाम खुलकर बताया ना। उन्होंने दो लड़कों के नाम बताया है, जो यहीं के लोकल लड़के हैं। क्या क्या नाम उनके सर? इसका इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। थैंक यू सर सो मच। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार। डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट, जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर।